देखो परिवारों को दी है कि बम से उड़ाएंगे, ये पहली तरह की कॉल है जो परिवारों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बम तो नहीं चलेगा भी, बम से यहाँ तो कट्टे पट्टे तो चलते हैं, लेकिन बम का तो पहला केस आया, ये बड़ा मामला आ गई। सरकार इसकी जांच करे पूरी, और 1 घंटा वो आदमी फोन पर लगा रहा, फोन बंद करा तो फिर मैसेज देता रहा, और ये भी कहा कि कहां तक भागोगे, भागने नहीं देंगे, या तो बाहर आना जाना बंद करो, जो ये आवाज उठा रहे हो। और पूरा परिवार सारे लोग बिहार से लगाकर उन लोग को छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक और पूरे देश में जा रहे, इसे बंद कर दो नहीं तो बम से उड़ाए जाओगे। तो भाई आज तहरीर उसकी दी है, उसकी सरकार और अधिकारी जांच करें, और जहां बाहर जाते हैं तो वहां सिक्योरिटी अवेलेबल करवाई जाए। ठीक है साहब, पहले भी आपको इस तरह की धमकी मिली थी सिविल लाइन में, आपने उसकी शिकायत दर्ज करा दी, जब भी किसी अननोन नंबर से फोन आया था आपके पास में, आपको भी ये उस समय भी बहुत गाली गलौज भी की थी, आपने धमकी भी दी थी। धमकी भी देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, ये बहुत इस तरह के केस है, करीब ये 25-30 मामले हुए होंगे इस तरह के। बहुत जगह रिपोर्ट दर्ज करवाई है, वो गाजियाबाद हो या दिल्ली हो या यहाँ पे मुजफ्फरनगर, अलग अलग जगह से रिपोर्ट दर्ज करवाई है ये। फोरम ठीक है साहब, इस बार आपके किस परिवार के किस सदस्य के फोन पे आई है धमकी? टिकैत को धमकी दी है, जो वो भी बाहर जाता है, आपका प्रोग्राम भतीजा देखता है? है, भतीजा है, सुरेश जी का लड़का है, जी तो उनको दी है। और ये करीब 9 बजे से लगा के कल शाम धुरंडी हुए, और 10:30 बजे तक ये उसका काम चलता रहा। फिर उसने मैसेज लिखे, वो मैसेज भी स्क्रीनशॉट है, वो आप दे देंगे। जी क्या लग रहा है, बार बार धमकी मिलना और सरकार ने आपको अभी तक भी सुरक्षा नहीं दिया, सिर्फ दो आपको जो गनर दिए गए हैं? नहीं, गनर है कहीं है पास में गनर तो, लेकिन बाहर जाते हैं तो ये है कि बाहर बढ़े और परमिशन उसकी बार बार लेनी पड़ती है जब बाहर जाते हैं या फ्लाइट में जा। ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी है, एक दिन फ्लाइट में मिली बीमारी है, ठीक है सर, एक किस दिन एयरपोर्ट तरह में मिली, फ्लाइट के अंदर मिली, जी जब उतरने लगे तो जब मिली। ये बीमारी है, मानसिक रोगी है इस तरह के लोग। लेकिन ये है कि अपना सुरक्षा कवच हमको ठीक रखना पड़ेगा। जैसे कर्नाटक में बेंगलोर में हमला हुआ था, तो ये मानसिक रोगी हैं जो एक ही क्लास में पढ़े हुए लोग हैं। क्या लग रहा है, इस बार आपके परिवार को लगातार खतरा बना हुआ है, जिस तरह की धमकी मिल रही है, आप किसानों की हाँ आवाज उठाते हो? बिल्कुल है, और सरकार इसको संज्ञान में लेना चाहिए, और किन लोगों ने करे तो उसको पकड़े भाई, उसके मनसूबे या उसका गैंग क्या है। और जो बम से उड़ाने की बात कर रहे, और ये कहा कि छोड़ेंगे नहीं कहीं तक ही भाग लो, तो इसका मतलब गैंग बड़ा है कोई। मैसेज में कृषि कानून की बात कही गई, आपने कानून की वापस कराया है? वो सरकार के खिलाफ कह रहे कि सरकार के खिलाफ जो ये अभियान चल रहा है आपका, जो आप बाहर रोज आते हो तो वहां आना जाना बंद करो, सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो, ये वे बात कहते हैं। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन ये है कि भाई इसको आज तो सरकार अपना प्रशासन पुलिस अपने होली के उसमें लगे हुए हैं, त्योहार नाचती रहना है इनका, और कल से इस पर कार्रवाई करो।